हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय मिनी ब्लॉग टू। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। रात की बारिश के बाद सुबह का कुछ ऐसा हाल है, खिली खिली सी धूप हो गई है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी को नवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आप सभी ने व्रत किया है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं इस मौसम में चिड़ियों की चहचहाट। सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी भी मौसम बहुत सुहाना है, बहुत ही प्यारा है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने बगीचे में जा रही हूँ पूजा के लिए फूल तोड़ने। तो फूल तोड़ लूँगी मैं, फिर पूजा की बाकी तैयारियाँ करके मैं पूजा स्टार्ट कर दूँगी। ये गुड़हल के फूल हैं, बहुत प्यारे खिले हुए हैं, और नवरात्र के पहले ही सारे गुड़हल जो है खिलने शुरू हो गए हैं। और विशेष रूप से इन फूलों से पूजा की जाती है माँ दुर्गा की, तो मैं इन्हें इकट्ठी कर रही हूँ। अब मैं इन फूलों को पूजा घर में लेकर जा रही हूँ। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और हम फास्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने आलू बॉईल कर दिया है, इस आलू को मैं फ्राई करूँगी। आलू को निकाल दिया है मैंने कुकर से। अलावा मूंगफली फ्राई करूँगी, साबुदाने की खीर बनाऊँगी और मखाना भी फ्राई कर दूँगी, तो हमारे दिन भर की व्यवस्था हो जाएगी। सबसे पहले मैंने मखाने को फ्राई करना शुरू कर दिया, जो कि लगभग फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद मुझे मूंगफली फ्राई करनी है, तो ये दोनों फ्राई हो गए हैं। और इसके बाद मैंने सिंघाड़े का हलवा बनाया। पूजा शुरू कर दी है मैंने, और मैं प्रार्थना करती हूँ माँ दुर्गा से कि वो हमारी रक्षा करें, हम सबका कल्याण करें, हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पूजा पूरी हो चुकी है और अब बारी है प्रसाद खाने की। सो हम सब ने प्रसाद खाया और साथ में मैं फलाहार भी ग्रहण कर रही हूँ। यह है साबुदाने की खीर और ये आलू साबुदाना टमाटर का फ्राई। जो सुबह फलाहार बनाया उसे हम सब ने दिन भर खाया, और अभी मैं बना रही हूँ लौकी आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। जो लोग भी व्रत नहीं है उनका डिनर होगा, और उसके बाद हम सो जाएंगे। और मैं फर्स्ट एंड लास्ट व्रत ही हूँ, तो कल से हम नॉर्मल खाना खा सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।